व्यूवर्स कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद है आप सब खरेज से होंगे आज की जो वीडियो है मैंने आपसे कहा था ना कि मैं स्ट्रिकिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसके चार्जेस वगैरह तो मेरे पास क्लाइंट आ गए थे तो मेरी वीडियो ही देख के वो क्लाइंट आए थे उन्होंने मुझे कहा कि मेरे ये क्राउन एरिया जो है मैंने आपको पहले बताया भी था ये वाले के ना स्ट्रिकिंग कर दें तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ तो उन्होंने कहा हाँ कर लें ठीक है उनके फेस को मैंने नहीं दिखाया है सिर्फ उनके जो स्टिकिंग करी है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कंप्लीट मेथड स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग होगी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रहिएगा तो वीडियो की तरफ चलते हैं अच्छा तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर करिएगा ताकि मेरी मेहनत जो है मैंने पता है दो घंटे का काम पाँच घंटा हो जाता है मेरी क्लाइंट भी यही कह रही थी उनके घर ना आज कोई इवेंट भी था तो उन्होंने स्टिकिंग के साथ मेरे से मेकओवर भी करवाया तो मेक ओवर की तो उन्होंने मना कर दिया बस शॉर्ट क्लिप मैंने लिए उनकी ड्रेस और हेयर की उसी स्टिकिंग में मैं हेयर स्टाइलिंग आपको दिखा दूँगी उन्होंने आँखों को भी मना कर दिया मेरी मैंने आँखें भी ना दिखाएं ठीक है ठीके? तो मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की उनके मेकओवर की नहीं की बस हेयर स्टाइलिंग मैंने जो की है वो और स्टिकिंग तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बिल्कुल डिटेलिंग वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप लोग देख लीजिएगा ठीक है ऊपर मैं वीडियो भी चला दूँगी ट्रेलर की मैंने यहाँ पे फार्मेसी और सिल्की की प्रोडक्ट यूज़ की है सिल्की की ट्यूब है कलर और फार्मेसी का ब्लें वो डेवलपर है और ब्लेंडर सिल्की का है ठीक है तो मैंने इन दोनों के हिसाब से किया क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल था उसी से मैंने किया मैंने ब्लेंडर जो डाला है ये सिल्की का डाला है और जो फार्मेसी की ये जो डिवेल्पर है तो ये मैंने डाला था फार्मेसी का ठीक है और जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो देख लें आप हमें ग्लव्स चाहिए होगा फॉल एलमोनियम शीट चाहिए होगी ठीक है इसे हम कट कर लेंगे मैं छः यहाँ पे आ, ले रही हूँ छः फॉल में मैं कवर करूँगी क्राउन एरिया और क्राउन मेरी क्लाइंट के हेयर है देख लें आप लोग कर्ली हेयर थे और बहुत बाल की थिकनेस भी बहुत हल्की थी और थोड़े ग्रे हेयर भी हो रहे थे तो उन्हें भी कवर करना था देख लें तो ग्रे हेयर को भी कवर करना था और इनके क्राउन में ही ये हो रहा था तो ये मैंने कवर करने के लिए मैंने जो ब्लेंडर यूज़ किया है वो मैंने थर्टी वॉल्यूम यूज़ किया फोर्टी वॉल्यूम यूज़ ना करें डैमेज हेयर में मतलब जिनके बाद थोड़े कमज़ोर हो तो पार्टिंग किस तरह करना है देख लें इसमें वीडियो में मैंने दिखा दी है उसके बाद आपको इस तरह से स्लाइसिंग करनी है वेविंग बनाने हैं बिल्कुल ये जो टेलकॉम होता है ना इससे बनाना है टेलकॉम की जो नोक होती है ना उससे बारीक बारीक चंक्स निकाले अगर आप क्लाइंट हैं वो मोटे चंक्स चाहती हैं तो आप मोटे भी क्योंकि आपको अपनी क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है ठीक है तो इस तरह से आप टेलकॉम की मदद से इस तरह स्लाइसिंग करेंगे ठीक है फिर अगर वो बारीक कहती हैं तो बारीक कर लेंगे ठीक है तो मुझे जिस तरह मेरी क्लाइंट ने कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही काम किया है उसके बाद हमें टेलकॉम की मदद से इस तरह से पार्टिंग कर लेना है ठीक है तो मैं बस छः फॉल के थ्रू ये पूरा कवर करूँगी उससे पूरे बाल कवर हो जाते हैं आपने वीडियो के शुरू में देख ही लिया होगा ठीक है उसके बाद एलमोनियम फॉल को जो मैंने कट कर लिया था ना उसमें मैं ब्लीच को रख के इसके फोल्ड करूँगी अभी मैंने थोड़ा और बारीक किया क्योंकि मोटे निकल गए थे तो आप इस तरह कर सकते हैं ठीक है इसी तरह बिल्कुल वीडियो को आप डिटेल्स में देखेंगे ना किस तरह करना है तो आपको सब समझ आ जाएगा ठीक है बाकी सिल्क की प्रोडक्ट भी अच्छी है फार्मेसी की भी अच्छी है क्यों भी सही है पर क्यूने में ज़्यादातर कंप्लेन आती है कि उससे अगर थोड़े देर तक रख दो ना कट डाउन के लिए तो बाल वाइट पे आने लगते हैं ठीक है तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं क्यों यूज़ ना करूँ तो मैं हाँ अगर आप बहुत अच्छा प्रोफेशनल वर्क कर सकती हैं और आपको पता है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं फिर आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा ठीक है मैं हर किसी से काम कर लेती हूँ अभी जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने वो इसी से किया है ठीक है क्योंकि मैंने चार्जेस भी बहुत कम लिए थे मैंने थाउज़ेंड रुपीज़ लिए थे सिर्फ ठीक है तो मेरे पास पहले से सामान मौजूद था इसलिए मैंने कर लिया और मेरी थोड़ी दोस्त भी है मेरी इससे बातचीत भी अच्छी थी तो मैंने इसलिए कर लिया इनका काम बिल्कुल आप देख लें किस तरह मैं कर रही हूँ ब्लीच को बिल्कुल इसके अंदर बालों के अंदर रखना है टेलकॉम को मैंने उसमें फॉल में फंसा दिया है वो देखें पीछे आपको टेलकॉम नज़र आ रहा होगा तो फिर इस तरह आपको पूरे बाल को कवर करना है ब्लीच से ठीक है और आपको बीच बीच में चेक भी करना है कि कहीं के बाल के वो मतलब कलर आ जाता है और कहीं का नहीं आता तो आपको हटा हटा के देखते भी रहना है और इसे मिक्स भी करना है तो मैं दोनों साइड से रैप कर रही हूँ देख लें वीडियो की जो एडिटिंग है ना वो मैंने जो इसमें वर्डिंग ऐड की है वो वो वर्डिंग जो है ना मैंने बाद में ऐड की है ठीक है क्योंकि उस वक्त मुश्किल हो रहा था क्लाइंट क्योंकि ये रियल क्लाइंट थी कोई मेरी मॉडल नहीं थी इस वजह से मैंने इनको जल्दी कपारी भी करना था रात में इनका इवेंट भी था शादी में इनको जाना था तो इनका मेक भी करना था फिर इन्हें घर भी जाना था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम किया पर जितना मैं रिकॉर्ड कर सकी मैंने किया आप लोगों के साथ पूरी कोशिश की कि मैं आपको सिंसेर मतलब आपको अच्छे से वर्क करवा सकूँ ठीक है दिखा सकूँ तो उसके बाद ये क्लिप से मैंने इसे फंसा दिया ताकि ये नीचे ना

आप सर की तरफ से शुरू नहीं करेंगे फोर एड की तरफ से क्योंकि बहुत जल्दी कलर आ जाता है इसलिए सबसे एंड में आप एंड वाला पार्ट करेंगे और बिल्कुल फ्रंट से आपको ये स्टिकिंग के लिए नहीं वेविंग करनी है अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि फ्रंट से करो तब करना वरना नहीं करना फ्रंट से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ठीक है ये टिप्स है जो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ बीच बीच में आपको खोल खोल के देखते भी रहना है ठीक है और आपको वो जो आपकी ब्लीच है जो भी आपने बनाया है सॉल्यूशन को उसको मिक्स भी करते रहना है ठीक है जिस तरह का भी आपको चंक्स रखना है रख लें और कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझसे कर सकते हैं आप लोग ठीक है कॉमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूँगी प्रोडक्ट आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो ठीक है जो मुझे पसंद आती है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया दो पार्टिंग मैंने करना सिखा दिया इस तरह इसको ब्लीच में रखना है और बिल्कुल अच्छे से कवर करना है क्योंकि आपके ब्लीच फन नीचे भी लग सकती है ठीक है और क्या कहते हैं अगर आप किसी को करवाएं तो मैंने आप लोगों को बताया था ये ऑफ़र सिर्फ इसी मंथ तक है थर्टी जनवरी जो है ना उसके बाद से इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे ठीक है उसके बाद इसके चार्जेस हो जाएंगे टू थाउजेंड ठीक है क्योंकि रेट वग़ैरह बढ़ गए हैं प्रोडक्ट में ये मेरे पास पुरानी प्रोडक्ट रखी हुई थी पुराने रेट वाली इसलिए मैंने अपने क्लाइंट के कर पी दिया ठीक है और मैंने इनसे वीडियो का भी कह दिया था इसलिए भी मैंने इनके चार्जेस कम कर दिए तो आप थर्टी के बाद आएंगे तो चार्जेस ये नहीं रहेगी तो आप लोग मुझसे ये मत बोलिएगा कि चार्जेस बढ़ गई है अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा लें आपको एक एक इंच का गैप देते हुए ये ये बनाना है ठीक है और आपको बिल्कुल स्किन से टच नहीं करना रूट से बिल्कुल एक इंच के फ़ास में आपको ये वेविंग करनी है ठीक है ये बहुत ध्यान से करना है मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि आप कोई मिस्टेक ना करें क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियो से कोई ना कोई घर में कॉपी करेगा और वो करेगा या कोई भी हो अगर कॉपी कर रहा है तो अच्छी बात है मैं तो सिखाती इसलिए हूँ कि आप लोग करें पर इसमें आप गलत तरीका ना कर लें इसलिए मैं तरीके से ये बता रही हूँ इससे पहले भी मैंने क्लाइंट के करे हैं इस पर उन्होंने रिकॉर्ड करने नहीं दिया था और मैंने आपसे यही कहा था वो वही वाली ट्यूब आधी रखी हुई थी जो मैंने इनके यूज़ करी तो इन्होंने करवा ली तो मैंने इनकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इंच का फासला रखना है ठीक है आपको कलर चेक करते रहना है कि वो कितने लेवल तक आ रहा है ठीक है तो मैंने जब इसके बहुत अच्छे से देखते हुए मैंने पूरी पार्टिंग कर ली है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप नहीं करिएगा अगर आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा देखें अब बाकी मैंने वीडियो स्पीड में कर ली थी क्योंकि वही तरीका था ठीक है ये मैंने छः कराएं गिल लें आप लोग देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पूरे फ्रंट तक मैंने कर लिया है ठीक है अब इससे मैंने सबको सेक्शन क्लिप से लगा के बंद कर लिया अब मैं इसे चेक करती रहूँगी जब जैसी कलर इसका आ जाएगा देखें कलर आ गया है ऐसे स्पंज इस की मदद से भी वॉश कर सकते हैं और प्लेन वाटर से वॉश करना है क्योंकि बाद में आप शैम्पू करेंगे कलर लगाने के बाद तो आप प्लेन वाटर से कर लें और मर्ज़ी आप शैम्पू भी करना चाहें तो कर सकते हैं सबका कलर आ गया मैंने बीच में लाइट भी चली गई थी आपको अंधेरा नज़र आ रहा है ना तो बीच में लाइट भी चली गई थी और इसके बीच में कलर भी नहीं आया था तो मैंने थोड़ी देर और फॉल रख लिया था तो फिर अब मैं शैम्पू से शैम्पू करने जा रही हूँ ठीक है तो मैंने प्लेन वाटर से पहले वॉश कर लिया इनका ठीक है उसके बाद मैं अब ये ट्यूब लगाने जा रही हूँ ये ट्यूब जो है सिल्की की है ठीक है इसी के साथ मैं इसको ब्लेंड करती रहूँगी दस से पंद्रह तक पंद्रह मिनट तक मैं करूँगी ताकि देखूँगी कलर आ रहा है कि नहीं हल्का सा ब्राउन द, ब्राउन कलर देना है ठीक है एश ब्लेंड से थोड़ा ज़्यादा तो इन्होंने यही कलर बोला था तो मैं अभी इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हेयर में जहाँ जहाँ मैंने ये कट डाउन किया था उसी में मैं ये कलर लगा रही हूँ और मैं चेक भी साथ साथ कर रही हूँ कि कहीं लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है हमें पूरा ध्यान से करना होता है उसके बाद मैं इसको दस पंद्रह मिनट रखने के बाद फिर मैं वॉश करूँगी शैम्पू लगाऊँगी अभी मैंने शैम्पू नहीं लगाया प्लेन वाटर से ही धोया था उसके बाद मैं ये जब ये दस पंद्रह मिनट बाद कलर आ जाएगा अच्छे से मसाज करना है फिर मैं इसे शैम्पू करूँगी और शैम्पू आपको हर्बल या सल्फ़ेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है ठीक है शैम्पू करने के बाद मैंने यहाँ पर मैं शैम्पू की वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी मैं बिल्कुल बिल्कुल भी याद नहीं रहा उसके बाद मैंने हेयर प्रोटीन मार्क्स लगाया कैरेटीन मार्क्स भी आप लगा सकते हैं कंडीशनर भी लगा सकते हैं फिर वॉश करा दिया मैंने और वॉश कराने के बाद यहाँ पे मैं हेयर ड्राई कर रही हूँ ठीक है हेयर ड्राई करने के बाद ये रिजल्ट है आप लोग देख लें उसके बाद मैंने इनके स्टेट बाद में किया था क्योंकि रात में मेरे पास आने वाली थी इनको मेकओवर भी करवाना था तो मैंने बाल में इनका वो किया था स्ट्रेट किया था और हेयर स्टाइलिंग की थी तो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो आपको पसंद आई है और हेल्पफुल लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें ताकि मैं और भी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ ठीक है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अल्लाहफ